देख सकते हैं थाने के बाहर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। जिस युवक को मारपीट कर बुरी तरह घायल किया गया, उसने बताया कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के सामने से वो अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, अचानक चार पांच की संख्या में एक आए, उस पर बुरी तरह टूट पड़े और उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं, शरीर में कई हिस्सों पर चोटें आई हैं, जिसका चिकित्सकीय परीक्षण भी हो रहा है। थाने में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। अहित जी, जिनको कुछ लोगों ने मारा है, इसमें इनका चिकित्सकीय परीक्षण, और आइए जानते हैं क्या हुई घटना इनके साथ। मैं नदिया से अपने दोस्त के घर से आ रहा था, यूं में ऑफिस के पास रविंदपुरी में पीछे से एक बाइक सवार आया, ब्लैक कलर की पल्सर गाड़ी थी, उसके तीन लोग बैठे हुए, तो उन लोगों ने मुझे ओवरटेक किया, लेकिन हमने गाड़ी काट के निकाल ली, फिर वो लोग बहुत स्पीड में आए, फिर ओवरटेक किया, फिर मैंने गाड़ी काट के निकाल ली। उसके बाद तीन चार बाइक पीछे से आई एक स्पीड से, मेरे आगे आके ओवरटेक करके गाड़ी लगा दी और रोक के बस सीधे कहे कि मार युवा को, गाड़ी वाले को मार, मारने लगे। सारे लड़के भगवा कलर का गमछा लपेटे हुए थे अपने सर के। आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? रेवड़ी तालाब के रहने वाले। आपका नाम? पुलिस चौकी के बाद मेरा नाम जाहिद अनवर है, पिता का नाम बतुल सलाम है, मकान नंबर 18/8। सर पीछे भी देखिए, पीछे भी बैठा है पूरा, पीछे मुझे पीछे। अरे